आज मैं जिस जगह आया हुआ हूँ उस जगह को बोला जाता है द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं आया हुआ हूँ ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश हमारे भारत की वो पावन धरती, जब माता गंगा पहाड़ों से धरती की तरफ आगे बढ़ती है, उस पॉइंट को बोलते हैं ऋषिकेश। कहते हैं ऋषिकेश वो धरती है जहाँ पर अगर आप मेडिटेशन यानी कि तप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। ये सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में लोग मानते हैं और पूरी दुनिया से ही लोग ऋषिकेश घूमने यहाँ पर आते हैं। हालांकि ऋषिकेश आने के बाद कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं यहाँ पे फेमस जो हमें घूमनी चाहिए, चाहे वो जगह हो, कोई मंदिर या घाट या फिर यहाँ के टूरिस्टिक अट्रैक्शन, किस समय उन्हें घुमा जाए, क्या टाइमिंग है वहाँ की, क्या कोई एंट्री टिकट है वहाँ की या नहीं और किस ऑर्डर में उन्हें घुमा जाए, ये सारे सवाल हम सबके मन में आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश के बारे में। जी हाँ, ऋषिकेश में कौन कौन सी बढ़िया जगह है घूमने की, उनकी टाइमिंग क्या है, टिकट प्राइस क्या है, क्या वो फ्री है या फिर किस ऑर्डर में उन्हें घुमा जाए, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषिकेश की ये वीडियो जिसमें हम ऋषिकेश की सारी जगहें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जैसे कि ऋषिकेश के सारे बड़े मंदिर, यहाँ के घाट, यहाँ के सारे धार्मिक स्थल, यहाँ तक कि ऋषिकेश के आसपास जितने भी बड़े बड़े वाटरफॉल्स और मंदिर हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और अंत में हम आपको ऋषिकेश की अच्छी खाने पीने की जगहें, यहाँ पे कैंपिंग करने का तरीका और यहाँ के सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे। इन सारी जगहों की एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप के लिंक पे मिलेगी। तो इन सारी जगहों की लोकेशन उस लिंक को क्लिक करें और अपने गूगल मैप्स पे खोल लें, जिसमें सबसे पहली जगह है नंबर एक राम झूला। हमारी अगली अट्रैक्शन है ऋषिकेश का सबसे बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट, वो है मेरे पीछे दिख रहा आपको राम झूला। जी हाँ, ऋषिकेश के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है राम झूला और ये ऋषिकेश की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। ये एक सस्पेंशन केबल ब्रिज है जो कि बनवाया गया था 20वीं सदी में। कहते हैं राम झूला और ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूले की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है, जब राम जी और लक्ष्मण जी ने ये गंगा नदी यहाँ से पार की थी और उसी की याद में ये राम और लक्ष्मण झूला यहाँ पर बनवाया गया है। राम झूले के दोनों तरफ आपको ऋषिकेश की सबसे बड़े खाने पीने के रेस्टोरेंट और सोविनियर शॉपिंग की दुकानें भी मिलेंगी। इसी के बगल में आपको मिलेगा गोवा बीच और राम झूले से होकर ही आप गंगा की सबसे बड़ी आरती भी देख सकते हैं। द योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है यहाँ का राम झूला, जो कि एक सस्पेंशन केबल ब्रिज है जो कि तकरीबन 450 फीट लंबा है। राम झूला को अगर ऋषिकेश का लैंडमार्क बोला जाए तो गलत नहीं होगा। राम झूले को ऋषिकेश में शिवानंदा झूला के नाम से भी जाना जाता है और ये झूला ऋषिकेश में 1980s में बनवाया गया था यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। राम झूले को क्रॉस करते समय आप ऋषिकेश का एक पैनोरमिक व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं, जहां से आपको पवित्र गंगा नदी बहती हुई दिखेंगी और दिखेंगे ऋषिकेश के सबसे सुंदर घाट। राम झूला ऋषिकेश में फोटोग्राफी के लिए भी सबसे बढ़िया जगह है और यहां से आप ऑलमोस्ट पूरा ऋषिकेश का सिटी सेंटर देख सकते हैं। ये जगह पूरे समय खुली होती है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर दो, परमार्थ निकेतन आश्रम। गाइस, हमारी अगली जगह ऋषिकेश की एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप मेडिटेट या फिर ध्यान लगाना चाहते हैं उसके लिए ये जगह बेस्ट रहेगी और इस जगह का नाम है परमार्थ निकेतन। जी हाँ, परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में गंगा जी के बिल्कुल तट पे बसा है और इस जगह पर आप रहने के लिए रूम भी ले सकते हैं, गंगा आरती भी देख सकते हैं और योग और ध्यान लगाने के ये जगह सबसे बेस्ट है। इस आश्रम को बनवाया था स्वामी सुखदेवानंद जी ने और उनका विजन ये था कि जो लोग मेंटल पीस चाहते हैं और इस दुनिया की भागदौड़ से मुक्ति चाहते हैं या फिर द अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, वो लोग ऋषिकेश के इस परमार्थ निकेतन आश्रम में आ सके और यहाँ पर वो काम पूरा कर सके। इस जगह की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आने के बाद जो आपको फील आएगी उसमें आपको अपने आप ही पूजा करने का या ध्यान लगाने का मन करेगा। इसी के सामने ऋषिकेश का सबसे फेमस घाट भी है जहाँ पे हर शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आरती भी की जाती है गंगा जी की। हालांकि उस घाट को खोला जाता है शाम को 5 बजे ताकि श्रद्धालु लोग आके आरती का आनंद उठा सके। ये एक बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड और एक सुंदर आश्रम है और इस आश्रम में आपको कई सारे बागीचे भी दिखेंगे जहाँ पर आपको अलग अलग भगवानों की प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। अगर आप ऋषिकेश का सबसे सुंदर आश्रम देखना चाहते हैं जहाँ होती है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, योगा, नेचुरल हीलिंग और नेचुरल मेडिटेशन, तो परमार्थ निकेतन आश्रम आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। ये जगह 1942 में बनवाई गई थी और इस जगह की सबसे खास बात है शाम को होने वाली इस जगह की आरती। इस जगह की एक और खास बात है कि यहाँ पर आप ऋषिकेश में सबसे फेमस भगवान शिव जी की 14 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन भी कर पाएंगे जो कि परमार्थ निकेतन आश्रम के घाट पे बनी हुई है। पर
परमार्थ निकेतन में आने की कोई फीस नहीं होती और वैसे तो ये पूरे दिन खुला होता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे सही समय होगा सनसेट के समय जब आरती होती है यहाँ पे। नंबर 3, द बीटल्स आश्रम। गाइस हमारी अगली जगह है ऋषिकेश का ये 84 कुटिया आश्रम, जो कि बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और जाना जाता है महर्षि महेश आश्रम के नाम से। जी हाँ, सबसे पहला नाम इसका 84 कुटिया इसलिए पड़ा है क्योंकि इस आश्रम के अंदर 84 ऐसी कुटिया है जिसके अंदर बैठ के आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं या फिर पहले जमाने में लोग यहाँ पे मेडिटेट किया करते थे। कहते हैं ये कुटिया ऐसी है जिनके अंदर बैठ के आपको ट्रांसेंडेंट यानी कि पीस ऑफ माइंड और मेंटल दुनिया से एकदम अलग ही किसी और दुनिया में जाने का मौका मिलता है। बीटल्स आश्रम इस जगह का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि 1960s का फेमस बैंड बीटल्स, जिसमें 4 जने हैं, वो ऋषिकेश आए थे और इसी आश्रम में महर्षि महेश जी के अंदर योग और साधना की ऐसी ट्रेनिंग ली कि उन्हें अपने आप खुद का ऐसा ज्ञान हुआ और वो दुनिया के बहुत ही बड़े या फिर सबसे बड़े फेमस बैंड बन गए जिनका नाम पड़ा द बीटल्स बैंड। इसीलिए इसी आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम भी पड़ चुका है। इसके अंदर जाके आपको बीटल्स आश्रम की एक डेडिकेटेड एरिना भी दिखाई देगा जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बीटल्स की जीवनी को दर्शाता है। और महर्षि महेश आश्रम इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने ही इस आश्रम को बसाया था और उनका मकसद ये था कि जो लोग अपनी पीस ऑफ माइंड चाहते हैं वो इस आश्रम में आने के बाद योग और साधना से अपनी पीस ऑफ माइंड पा सके। बीटल्स आश्रम खुला होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक और यहाँ पे एग्जिट आप कर सकते हो 5 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 200 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 1200 रुपए। नंबर 4, 13 मंजिल मंदिर। गाइस हमारी अगली जगह है ऋषिकेश का ये 13 मंजिल मंदिर। जी हाँ, ऋषिकेश का ये 13 मंजिल मंदिर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले के पास स्थित है और इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसमें आप कई सारे भगवानों के दर्शन कर सकते हैं जो कि इनकी अलग अलग मंजिलों में स्थित है। यहाँ पे टोटल 13 मंजिल है जिनमें जा जाकर आप इन भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर 20वीं सदी में एक जाट राजा कनकपाल के द्वारा बनवाया गया था और इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी कलरफुल इंस्क्रिप्शन। इस मंदिर में घूमते समय आप मंजिल दर मंजिल ऊपर बढ़ते जाएंगे और आप दर्शन करते जाएंगे अलग अलग भगवानों के और जैसे ही आप मंदिर में ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको एक बहुत ही सुंदर नजारा भी दिखता जाएगा ऋषिकेश से बहती हुई माँ गंगा का और ऋषिकेश का एक स्काईलाइन व्यू भी आपको इसी मंदिर से दिखेगा। इसी मंदिर के नीचे हर शाम को गंगा आरती भी की जाती है और इसी मंदिर के बगल से ही आप लक्ष्मण झूले की तरफ भी जा सकते हैं। इस मंदिर में आना इतना आसान इसलिए है क्योंकि ये गंगा नदी की दोनों तरफ से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है लक्ष्मण झूले की वजह से। यह मंदिर सनराइज से सनसेट तक खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर 5, त्रिवेणी घाट। तो गाइस हमारी अगली जगह है ऋषिकेश की सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और सबसे पूजनीय जगह। इस जगह का नाम है त्रिवेणी घाट। जी हाँ, ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट जिसके पीछे बहुत सारी पुरानी कथाएं मशहूर है। कहते हैं गंगा के इस घाट पे अगर आप स्नान कर लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, सिर्फ इसी जन्म के ही नहीं बल्कि इससे पिछले जन्म और आगे आने वाले जन्मों के भी पाप सारे धुल जाते हैं अगर आप त्रिवेणी घाट पे यहाँ पे स्नान कर लो। इस घाट की सबसे खास बात यह है कि ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घाट है और इसी के आसपास आपको ऋषिकेश की सबसे बड़ी लोकल बाजार भी मिलेगा। इसी घाट पे गंगा जी की आरती परफॉर्म की जाती है जो कि शाम को 6 बजे की जाती है और ये आरती देखने के लिए बहुत सारे जने बहुत दूर दूर से आते हैं। सिर्फ इंडिया के अंदर से ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी लोग सिर्फ त्रिवेणी घाट की आरती देखने के लिए आते हैं। त्रिवेणी घाट यहाँ की सरकार ने इतना बढ़िया डेवलप कर दिया है कि आपको यहाँ पर आने के बाद जरा सी भी गंदगी नहीं दिखेगी और यहाँ की मेंटेनेंस बहुत ही अच्छी तरह की जाती है। इनफैक्ट अगर आप आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आपके जूते चप्पल रखने के लिए भी यहाँ पे स्पेशल जगह दे रखी है और अगर आप यहाँ पे स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पे लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए कपड़े बदलने के लिए भी अलग अलग जगह दे रखी है। त्रिवेणी घाट पूरे समय खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती, लेकिन यहाँ आने का सबसे बेस्ट समय होगा शाम के 6 बजे जब यहाँ पे आरती परफॉर्म की जाती है। नंबर 6, गंगा आरती। गाइज अगली चीज जो आपको ऋषिकेश में बिल्कुल मिस नहीं करनी वो है यहाँ की गंगा आरती। जी हाँ, ऋषिकेश की गंगा आरती की जाती है ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे जो कि शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 7 से 7:30 बजे तक चलती है। ये गंगा आरती अटेंड करने ऋषिकेश आने वाले सारे श्रद्धालु आते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि इस गंगा आरती को आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, ऋषिकेश की गंगा आरती में बस आपको त्रिवेणी घाट तक
तक आना है, जो कि यहाँ की सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है, जिसमें आपको बस अपने जूते उतार के इस त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती करने बैठ जाना है। और शाम के 6 बजते ही यहाँ के पुजारी और पंडित लोग यहाँ की आरती शुरू करते हैं, जो कि तकरीबन 1 घंटे तक चलती है। उस आरती को अटेंड करने के बाद डेफिनेटली आप गंगा मैया की भक्ति में बिल्कुल ही खो जाएंगे। कहते हैं कि त्रिवेणी घाट पे गंगा मैया में आरती करने से पहले अगर आप स्नान कर लेते हैं और उसके बाद आरती अटेंड करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए जब भी आप ऋषिकेश आएंगे तो यहाँ की त्रिवेणी घाट की गंगा आरती जरूर अटेंड करें। जो की होती है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 7, नीलकंठ महादेव मंदिर। गाइस, अगली जगह जो ऋषिकेश में हम कवर करने आए हैं वो है ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। जी हाँ, नीलकंठ महादेव, इस जगह पर आप दर्शन कर पाएंगे शिव जी के स्वरूप के। शिव जी जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से त्रिदेवों में एक देव है। कहते हैं जब राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तब उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। अमृत तो देवताओं ने ले लिया था, लेकिन जो विष था वो पूरी दुनिया को तबाह ना कर दे, इसलिए शिव जी ने वो विष पूरा का पूरा खुद ही पी लिया था। और जब उन्होंने वो विष पिया तो उनका कंठ यानी कि उनका गला बिल्कुल नीला पड़ गया था, तभी से उनका नाम पड़ा था नीलकंठ। और शिव जी के उसी रूप का मंदिर है नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो कि ऋषिकेश से तकरीबन 1.25 घंटे की दूरी पे गढ़वाली हिल्स में पड़ता है। और यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी उस टाइम किया जाता है। अगर आप छुट्टियों के समय नीलकंठ महादेव के दर्शन करने आएंगे तो हो सकता है आपको वहाँ की लाइन में 2 से 3 घंटे लग जाए, क्योंकि इस मंदिर में इतने सारे भक्तजन शिव जी के दर्शन करने आते हैं कि उसका कोई काउंट ही नहीं है। यह मंदिर आरती के समय के अलावा पूरे टाइम खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। हालांकि इस मंदिर से काफी दूर जाकर आपको पार्किंग करनी पड़ सकती है और पैदल चल के आना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत होती है। नंबर 8, लक्ष्मण झूला। गाइज, मेरे पीछे जो सस्पेंशन केबल ब्रिज आप देख रहे हैं ये है ऋषिकेश का सबसे फेमस लक्ष्मण झूला। जी हाँ, लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश के 2 घाटों को जोड़ता है और जोड़ता है 13 मंजिल मंदिर और ऋषिकेश की मेन रोड। कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण झूला इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ की एक पौराणिक कथा बहुत ज्यादा मशहूर है, जो कि है रामायण के समय की। कहते हैं रामायण के समय लक्ष्मण जी ने गंगा नदी इसी जगह पे पार की थी और वो भी सिर्फ 1 रस्सी बांधकर। इसी वजह से यहाँ पर ये लक्ष्मण झूला बनाया गया है और थोड़ी ही आगे राम झूला बनाया गया है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का एक बहुत ही प्यारा सस्पेंशन केबल ब्रिज यानी कि तारों पे टिका हुआ ब्रिज है, जिसके ऊपर चढ़ने के बाद आपको यहाँ पे गंगा नदी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। और इसी झूले से होते हुए आप 13 मंजिल मंदिर आ सकते हैं, जो कि एक और ऋषिकेश की बहुत प्रसिद्ध जगह है। लक्ष्मण झूले का आर्किटेक्चर भी इस तरीके से बनाया गया है कि ये हिंदुओं की आस्थाओं को उनकी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। लक्ष्मण झूला एक मस्ट विजिट है अगर आप ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं। ये जगह पूरे दिन खुली होती है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 9, गोवा बीच। गाइज, हमारी अगली वो जगह है ऋषिकेश की जिसे यहाँ की अथॉरिटीज ने बनाया है ताकि हम जैसे टूरिस्ट एक लेजर टाइम स्पेंड कर सके। वो जगह है यहाँ का गोवा बीच। जी हाँ, ऋषिकेश में गोवा बीच है जो कि बिल्कुल राम झूले के बगल में स्थित है और यहाँ पर गंगा रिवर के तट पे एक घाट को नाम दिया गया है गोवा बीच, जहाँ आकर लोग एक बहुत ही अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको गंगा नदी में डुबकी लगानी है या फिर यहाँ पे सनबेदिंग करनी है या फिर इंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ, तो गोवा बीच एक जबरदस्त जगह है ये करने के लिए। कहने को ये कोई धार्मिक घाट नहीं है, लेकिन फन एक्टिविटीज करने के लिए एक जगह बना दी गई है ऋषिकेश गवर्नमेंट द्वारा, जहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली और बच्चों के साथ आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पानी का स्तर भी इतना ज्यादा नहीं है कि आपको गंगा नदी में नहाने में दिक्कत हो। ये जगह वैसे तो पूरे समय खुली होती है और इसमें आने की कोई भी फीस नहीं है, लेकिन सनसेट के बाद इस जगह पर आना मैं सजेस्ट नहीं करता। नंबर 10, ऋषिकुंड। गाइज, हमारी अगली जगह है ऋषिकेश का बहुत ही फेमस ऋषिकुंड। जी हाँ, ऋषिकेश का ऋषिकुंड ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास पड़ता है और इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू भगवानों में जो कि वेल्थ के देवता हैं, यानी कि जो पैसों के देवता हैं कुबेर जी, ऐसा माना जाता था कि कुबेर जी ने इसी कुंड में स्नान किया था और अपने सारे पाप धो लिए थे, उसी के बाद उनके पास इतना सारा पैसा आया था जिससे वो हिंदुओं के वेल्थ के देवता बन गए। ऋषिकुंड की एक और खास बात यह है कि ये त्रिवेणी घाट के बिल्कुल बगल में पड़ता है, इसलिए यहाँ के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये ऋषिकेश का एक ऐसा हिडन जेम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इस जगह को घूमने में भी आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। ऋषिकुंड के दर्शन करने के साथ साथ आप इसी के अंदर स्थित रघुनाथ जी महाराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनका मंदिर ऋषिकुंड के बिल्कुल बगल में ही है। यहाँ आने के बाद लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और कहते हैं कि अपनी मनोकामना अगर आपने ऋषिकुंड में मांगी है तो वो जरूर पूरी होगी। ऋषिकुंड सनराइज से सनसेट तक खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर 11, भरत मंदिर। गाइस, ऋषिकेश में हमारी अगली जगह जो आपको जरूर कवर करनी है वो है यहाँ का भरत मंदिर। ऋषिकेश के ऑलमोस्ट सिटी सेंटर में बसा है यहाँ का भरत मंदिर, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 12वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर के
अंदर जाकर आपको रामायण काल के राम जी के भाई भरत जी के दर्शन होंगे और इसके अंदर आपको शिव जी की प्रतिमाओं के भी दर्शन होंगे। इस मंदिर के अंदर आपको भरत जी की प्रतिमा के हाथ में श्री यंत्र भी देखने को मिलेगा। कहते हैं कि रामायण काल में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र था। इस मंदिर का वर्णन आपको रामचरितमानस में भी करा हुआ मिलेगा, इसीलिए ऋषिकेश में बसा यह भरत मंदिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट है यहाँ के टूरिस्ट के लिए और यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए। भरत मंदिर सनराइज से सनसेट तक खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर 12 घाट रोड मार्केट। तो गाइस हमारी अगली जगह जो ऋषिकेश में आपको जरूर देखनी है वो है ऋषिकेश की सबसे मशहूर मार्केट। ये है ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास बसी घाट रोड मार्केट। भाई अगर यहाँ की ऋषिकेश की लोकल मार्केट में लोकल शॉपिंग करनी है, मतलब सस्ते रेट पे, ये नहीं कि टूरिस्ट को देखकर रेट को हाइक कर दिया गया हो, अगर यहाँ पे आपको लोकल रेट पे शॉपिंग करनी है तो घाट रोड मार्केट में आके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरीके की शॉपिंग करने को मिलेगी। मोस्टली यहाँ पर मिलेंगे आपको टेक्सटाइल कपड़े खरीदने के लिए लेडीज के लिए, मंदिर में पूजा रखने का सामान, डेकोरेशन का सामान, कुर्तियां, भगवान जी की पोशाकें, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े और ऐसा बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो जब भी त्रिवेणी घाट पे आरती अटेंड करने आ रहे हो तो घाट रोड की मार्केट पे आप जरूर एक बार नजर मार के जरूर जाना। ये मार्केट शाम को 10 बजे तक खुली होती है और यहाँ पर आने की कोई फीस नहीं लगती, बस शॉपिंग के तो पैसे लगेंगे। नंबर 13 वशिष्ठ केव्स। गाइस हमारी अगली जगह है ऋषिकेश का वशिष्ठ केव्स या फिर वशिष्ठ गुफा। कहते हैं ऋषि वशिष्ठ और उनकी बीवी ने इस जगह पर हजारों सालों तक तपस्या की थी। पुराणों में ये कहा गया है कि वशिष्ठ जी भगवान ब्रह्मा जी के बेटे थे और सप्त ऋषियों में एक थे, यानी कि हमारे पुराणों के अनुसार 7 सबसे बड़ी ऋषियों में से एक। ऋषिकेश में स्थित वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश के गुलाल ट्रीज के बीचों बीच स्थित है और इसी गुफा के बगल से बहती है माता गंगा। वशिष्ठ केव के बगल में ही धीरे धीरे एक आश्रम बन चुका है जिस आश्रम का नाम है स्वामी पुरुषोत्तम आनंद आश्रम। ऋषिकेश से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पड़ता है वशिष्ठ केव्स, जहां जाने के लिए आपको तकरीबन 200 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ेंगी। वशिष्ठ केव 24 घंटे खुला होता है और यहां आने की कोई फीस नहीं लगती। चलिए अब बात करते हैं ऋषिकेश के आसपास पड़ने वाली सबसे बढ़िया वाटरफॉल्स की, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 14 नीरगढ़ वाटरफॉल। सो गाइस हम अपने अगले डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। इस जगह का नाम है ऋषिकेश का फेमस नीर वाटरफॉल। जी हाँ, ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये नीर वाटरफॉल का हिस्सा है। अभी नीर वाटरफॉल यहाँ से ऊपर जाकर है, तकरीबन 150 से 250 मीटर की चढ़ाई हमें करनी पड़ेगी यहाँ से और उसके बाद नीर वाटरफॉल आएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल में से एक है ऋषिकेश के। हालांकि द ओनली वाटरफॉल ये नहीं है, इसके अलावा भी वाटरफॉल्स हैं, लेकिन चलिए देखते हैं नीर वाटरफॉल कैसा है और इसका सफर कैसा रहेगा हमारी चढ़ाई का। लेट्स गो। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश के सबसे सुंदर वाटरफॉल्स में से एक है। ऋषिकेश के पहाड़ों की बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छुपा है नीर वाटरफॉल और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे 3 वाटरफॉल मिलके बनाते हैं एक 25 फुट ऊंचा वाटरफॉल जिसे हम नीरगढ़ वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। नीरगढ़ वाटरफॉल की एक और खास बात है कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है और ये ट्रैकिंग आप अपनी पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ट्रैकिंग ही नीरगढ़ वाटरफॉल का सबसे सुंदर पार्ट है। ये ट्रैकिंग करते करते आपको बीच बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल दिखते रहेंगे और ये ट्रैकिंग करते करते आप 2 छोटे छोटे पुल भी पार करेंगे जिसमें आपके पुल के नीचे से एक दूध से भी ज्यादा सफेद पानी बह रहा होगा। इस ट्रैकिंग को करते समय आप अपने साथ खाने पीने की चीजें भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में बैठने की जगहें हैं और आप वहां बैठ के अपना फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक वाटरफॉल देखने के लिए ही नहीं बल्कि आप नीरगढ़ वाटरफॉल जा सकते हैं पिकनिक मनाने के लिए। नीरगढ़ वाटरफॉल में आपको कुछ अमेजिंग व्यूज नजर आएंगे एक वाटरफॉल के और ऋषिकेश की पहाड़ियों के। नीरगढ़ वाटरफॉल सनराइज से सनसेट तक खुला होता है और यहाँ की एंट्री टिकट है 200 रुपए पर पर्सन की। नंबर 15 पटना वाटरफॉल। तो गाइस हमारी अगली जगह है ऋषिकेश का शायद सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल। इस जगह का नाम है पटना वाटरफॉल। जी हाँ, पटना वाटरफॉल ऋषिकेश की एक ऐसी हिडन जेम है जो बहुत कम लोगों को पता है। नीरगढ़ वाटरफॉल तो हम सब जानते हैं, सब घूमने भी जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाटरफॉल है जो नीरगढ़ वाटरफॉल से शायद कई गुना ज्यादा सुंदर है। ये तकरीबन 70 मीटर ऊंचा वाटरफॉल 12 महीने चलता है और जुलाई के समय तो इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पानी होता है। इनफैक्ट जुलाई के समय अगर आप इस जगह पर आएंगे तो आपको एकदम बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि आप किसी भी मंथ में पटना वाटरफॉल घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे आने से पहले आपको अपनी गाड़ी या व्हीकल रोड साइड ही पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई सेपरेट पार्किंग नहीं है, और उसके बाद आपको तकरीबन 900 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की अपहिल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप पटना वाटरफॉल पहुंचेंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वाटरफॉल में नहा भी सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज के लिए चेंजिंग रूम भी है। यहाँ पे आपके स्नैक्स एंड ड्रिंक्स के लिए भी बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करी हुई है। छोटी मोटी दुकानें आपको रास्ते में भी मिलती रहेंगी और यहाँ आने के बाद भी मिलेंगी। तो एक बहुत ही अच्छी आफ्टरनून या इवनिंग आप यहाँ पे बिता सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऋषिकेश की पटना कॉलोनी में बसता है ऋषिकेश का सबसे सुंदर वाटरफॉल जिसका नाम है पटना वाटरफॉल। ये ऋषिकेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स में से एक है, जहां पर 40 फीट ऊंचाई से पानी सीधा आके आपके ऊपर गिरता है और आप एंजॉय कर सकते हैं ऋषिकेश की नेचुरल ब्यूटी। इस वाटरफॉल के बारे में अभी काफी सारे टूरिस्ट को नहीं पता है, इसलिए इस वाटरफॉल में आप अक्सर भीड़ नहीं देखेंगे। यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च तक का है। हालांकि अगर आप इस वाटरफॉल में नहाना चाहते हैं तो गर्मियों के समय ही यहाँ पर आएं।
वाटरफॉल आने की कोई फीस नहीं लगती और ये जगह पूरे समय खुली होती है। चलिए अब बात करते हैं ऋषिकेश में खाने पीने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। उसमें सबसे अव्वल नंबर पे आता है नंबर 16 चोटी वाला रेस्टोरेंट। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के सबसे फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाले के। जी हाँ, चोटी वाला रेस्टोरेंट ऋषिकेश में मेरे पीछे है, यहाँ पर हम लंच करने आए हुए हैं। कहते हैं कि ऋषिकेश का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला, तो यहाँ पर आकर खाना तो बनता ही था हमारा। यहाँ पे मेनली थाली मिलती है जिसमें दाल सब्जी रोटी चावल आई थिंक सब कुछ मिलता है एक ही थाली के अंदर, तो वही ट्राई करेंगे। आई एम श्योर ये बेस्ट खाना होने वाला है, लेकिन फिर भी ट्राई करके आपको एग्जैक्टली मैं अपना रिव्यू बता सकता हूँ, प्राइस कैसा है या फिर खाना कैसा है ये सब। लेट्स गो इनसाइड। जो सबसे स्पेशल चीज है वो उनकी थाली ही है, जिसमें आपको दाल कड़ी, एक पनीर की सब्जी, एक मिक्स वेज पुलाव, रोटी सैलेड रायता ये सब मिलता है। तो वही इनकी सबसे फेमस है, वही मंगाते हैं, ज्यादा अच्छा है। ऋषिकेश में चोटी वाले की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की, और यहाँ पर एक थाली का खर्चा आपका 450 से 500 रुपए तक का होगा। वैसे ऋषिकेश में बहुत सारे चोटी वाले खुले हैं, लेकिन असली चोटी वाले की लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिल जाएगी। हालांकि चोटी वाले के अलावा भी ऋषिकेश में बहुत सारी खाने पीने की जगह है जो फेमस है। जैसे की ऋषिकेश में है बहुत बढ़िया बढ़िया कैफेज, जहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन खाना एक बहुत ही बेहतर गंगा व्यू के साथ मिलेगा। इन कैफेज में टॉप पे आता है द सिटिंग एलिफेंट, द 60s बीटल्स कैफे और तत्वा कैफे। ऋषिकेश में सारी खाने पीने की जगहों की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है टॉप प्लेसेस टू ईट इन ऋषिकेश, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जाके भी आप देख सकते हैं। नंबर 17 कैंपिंग इन ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश की कैंपिंग एक वर्ल्ड फेमस कैंपिंग है। ऋषिकेश की गंगा रिवर या फिर ऋषिकेश में बहने वाली छोटी छोटी रिवर्स के बगल में आप कैंपिंग कर सकते हैं, जिसमें आपके कैंप में ही आपको सोने के लिए एक बहुत ही सुंदर कैंप, खाने पीने के लिए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, एंजॉय करने के लिए कई सारे गेम्स, स्विमिंग पूल और एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां बैठ के आप अपना वीकेंड गेटअवे प्लान कर सकते हैं या फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं अपनी कैंपिंग साइट पे ऋषिकेश में। जी हाँ, ऋषिकेश में जो हमारी कैंपिंग साइट है, ये जो ऋषिकेश के जंपिंग हाइट्स है ना, उसके बिल्कुल पास में ही है, उसे 100-200 मीटर पहले ही है। एक्चुअली जो हमारा कैंप है वो एक रिजॉर्ट के नाम से है, और उस रिजॉर्ट का नाम है ये रिवर फन एंड फॉरेस्ट रिजॉर्ट। तो इसी में जा रहे हैं हम। तो गाइस फाइनली अपने कैंप पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो आपको कैंप दिख रहा है, ये है हमारा छोटा सा तंबू। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारे कैंपों में ना चार चार बेड हैं, तो आप चार जने अगर है तो एक ही कैंप में रुक सकते हैं। और अभी स्नैक्स का टाइम है यहाँ पे। स्नैक्स में जैसे मैंने पता करा था, तो यहाँ पर स्नैक्स में पकौड़े भी देते हैं साथ में, पापड़ी भी देते हैं, चाय देते हैं साथ में। तो स्नैक्स थोड़े से लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वहीं पे अपनी रिवर साइड पे। लेट्स सी। तो गाइज हम बैठ गए हैं कैंपिंग की रिवर साइड में। यार इतना सुकून आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में, और ये बेस्ट समय होता है भैया। यहाँ पे इतनी शांति है, यहाँ पे कोई और तो है नहीं। इससे ज्यादा बेटर क्या होगा कि आपके बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें डूबने का कोई चांस ही नहीं है, छोटी नदी है वो, और आप पत्थरों पे बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सको या फिर नदी में नहा भी सकते हो अगर आप चाहो तो। मेरा भी कोई मन नहीं है नहाने का, लेकिन इतना साफ पानी, इतना क्लियर पानी है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ पे। तो गाइज हो गई हमारी कैंपिंग से हमारी विदाई। सुबह सुबह बढ़िया सा नाश्ता करके हम निकल चुके। तो ये थी भाई हमारी कैंपिंग की वीडियो। आई होप आपको हमारी ऋषिकेश कैंपिंग वीडियो पसंद आई हो। तो इस तरीके से बीता था हमारा ऋषिकेश में कैंप का दिन, ऋषिकेश में एक रात की कैंपिंग का, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूडेड होगा। आपका खर्चा हो सकता है 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का, और आपको ये सब कैंप ऋषिकेश से लेकर शिवपुरी तक काफी सारी रेंजेस में मिलेंगे। इनमें से एक कैंप का नाम, एड्रेस और फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वो भी बुक करा सकते हैं। नंबर 18 एडवेंचर स्पोर्ट्स। जी हाँ, ऋषिकेश एडवेंचर स्पोर्ट कैपिटल है पूरे भारत की। जी हाँ, ऋषिकेश के एडवेंचर स्पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ की वाटर राफ्टिंग करने के लिए बहुत दूर दूर से, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ की वाटर राफ्टिंग दुनिया की बेस्ट वाटर राफ्टिंग में से एक है। ऐसे ही वाटर राफ्टिंग करने हम पहुंच गए ऋषिकेश। तो गाइस जो अगली एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं ऋषिकेश में, वो है यहाँ की सबसे ज्यादा की जाने वाले एडवेंचर स्पोर्ट, जिसको बोलते हैं हम रिवर राफ्टिंग। जी हाँ, ऋषिकेश में शायद इंडिया की सबसे ज्यादा रिवर राफ्टिंग की जाती है नदी
गंगा में। ये रिवर राफ्टिंग इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पे 100 से ज्यादा रिवर राफ्टिंग कंपनी है जो रिवर राफ्टिंग कराती है सबको। अब रिवर राफ्टिंग बहुत सारी तरीके की होती है, एक्चुअली में तरीका तो एक ही है बट थोड़ी लंबी और छोटी होती है, मतलब 24 किलोमीटर लंबी रिवर राफ्टिंग भी होती है और 8 किलोमीटर लंबी रिवर राफ्टिंग भी होती है, और सबके रेट्स अलग अलग है, सबकी बोट्स अलग अलग है। इस सेक्शन में आपको ये बताने वाले हैं कि जो रिवर राफ्टिंग है ये आप कहाँ से कर सकते हैं, कितने तरीके की होती है, क्या क्या रेट्स होते हैं और किस समय आपको करनी चाहिए। ऋषिकेश वाटर राफ्टिंग के लिए इंडिया का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ पे वाटर राफ्टिंग की लेंथ 8 किलोमीटर से शुरू हो जाती है जिसको 12 साल से 65 साल तक के कोई भी युवा कर सकता है। ऋषिकेश में वाटर राफ्टिंग करने का बेस्ट टाइम है सितंबर से मई तक। ऋषिकेश में वाटर राफ्टिंग करने की 4 लेंथ है, जिसमें पहली है क्लब हाउस यानी ब्रह्मपुरी से लेकर ऋषिकेश की जो की है 8 किलोमीटर की, दूसरी है शिवपुरी से ऋषिकेश जो की है 16 किलोमीटर की, तीसरी है मरीन ड्राइव से ऋषिकेश जो की है 26 किलोमीटर की, और चौथी है कौडियाल से ऋषिकेश जो की है 35 किलोमीटर की। चिरमिर चिरमिर धूम धड़ाका, चिरमिर चिरमिर धूम धड़ाका भाई, जबरदस्त पर है जबरदस्त। अभी दो तीन रैपिड करते हुए आए हैं, बहुत मजा आ गया। अभी थोड़ी शांत रिवर है तो हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। वाटर राफ्टिंग के अलावा भी ऋषिकेश में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ की फेमस बंजी जंपिंग जो कि कराई जाती है जंपिंग हाइट्स पे और यहाँ की थ्रिल फैक्ट्री पे। इसके अलावा ऋषिकेश में आप कर सकते हैं स्कैट जंप, जाइंट स्विंग और बहुत ही अमेजिंग यहाँ की फ्लाइंग फॉक्स, जिसमें आपको एक रस्सी से बांध के सुपरमैन की तरह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उड़ाया जाता है। इसी के साथ साथ आप ऋषिकेश में रिवर्स बंजी भी कर सकते हैं, और इतने सारे आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ आप ऋषिकेश में इंडोर एडवेंचर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ की बोलिंग और बिलियर्ड्स। ऋषिकेश के ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स कितने के होते हैं और कौन कौन इन्हें कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक अलग वीडियो में बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, जिसका नाम है टॉप एडवेंचर स्पोर्ट्स इन ऋषिकेश, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां जाके आप इन सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब ये सब थी ऋषिकेश की टॉप प्लेसेस टू विजिट। हालांकि एक सवाल अभी भी रह जाता है कि ऋषिकेश की ये सारी एक्टिविटीज और ऋषिकेश की ये सारी जगहें आप कब और कैसे कवर करेंगे, आपकी आइटिनरी क्या होगी। तो ये है ऋषिकेश की 3 दिन की आइटिनरी, जिसको स्क्रीन पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं ऋषिकेश की मैक्सिमम अट्रैक्शन सिर्फ 3 दिनों में। अब ऋषिकेश की सारी अट्रैक्शन, सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स और सारी बेस्ट प्लेसेस टू ईट आप कैसे कवर करेंगे, ऋषिकेश में आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, और ऋषिकेश में अंदर घूमने के लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन मोड आप यूज कर सकते हैं, ऋषिकेश में होटल्स कैसे हैं, और क्या आपकी ऋषिकेश की कंप्लीट आइटिनरी होनी चाहिए जिसे आप कवर करेंगे, इसकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका नाम है कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू ऋषिकेश। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी टॉप प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन से मिस हो गई है, गलत दी गई है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही हमने हर जगह की ट्रैवल गाइड बनाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, तो जाके हमारी आज ही अनुज बकेट की ऐप डाउनलोड करें और सारी जगहों की ट्रैवल गाइड अपनी फिंगर टिप्स पाए। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो